नमस्कार। अज्ञात अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर स्थिति नाजुक बना दिया। जी हाँ, ये पूरा मामला मधुबनी जिला के माधोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा गांव में अज्ञात अपराधियों ने मुखिया विजय शाह के पेट में गोली मार दी। आपको बताते चले कि मुखिया अपने घर से मोटरसाइकिल पर परसा स्थित ईटा भट्टी पर जा रहा था, तभी रास्ते में पोल्ट्री फार्म के पास दो अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार मुखिया को रोककर पिस्तौल दिखाने लगा। तभी मुखिया अपने जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी क्रम में अपराधियों ने मुखिया जी के पेट में गोली मार दी और उस अपराधी नेपाल की ओर भाग गया। मौके पर आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने मुखिया को माधोपुर PHC में लाया गया, जहां से उन्हें दरभंगा DMCH रेफर कर दिया गया। अभी मुखिया की स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्या कहेंगे? काफ़ी दुखद घटना आज हुई है। हमारे परिवार के ही एक मुखिया जी को गोली मार के कुछ बदमाशों ने, वो बाइक पे ही थे मुखिया जी भी, तो काफ़ी दुखद घटना है। जैसे ही पता चली है तुरंत आए हैं, भगवान की दुआ से वो सुरक्षित हैं, स्टेबल कंडीशन में है। प्रशासन की काफ़ी लापरवाही देखने में मिल रही है लगातार। ये पहली घटना ऐसी नहीं है कि किसी भी प्रतिनिधि को हानि पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, घटनाएं लगातार होते जा रहा है। तो हम ज़रूर ये बात सदन में उठाएंगे कि सभी प्रतिनिधियों को सिक्योरिटी मिले, क्योंकि सिर्फ उनके सेल्फ की सिक्योरिटी नहीं है, वो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो जनता का भी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जनता की भी सिक्योरिटी होती है। तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि पहले तो इस पर जाँच करके जो भी दोषी है उनको सामने लाया जाए, और सदन में ये बात उठा के हम ज़रूर अपील और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। क्या कहेंगे, बिहार में जिस तरह अपराधी बेखौफ हैं, आए दिन कहीं ना कहीं हत्या या अपहरण की घटना हो रहे हैं, तो बिहार सरकार नाकामा? नहीं, सरकार नाकामा का बात नहीं है। अपराधियों के लिए तो अब जिला स्तर पे देखिए, अगर तो वो काफ़ी सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं की जा रही। जैसे ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू हो जाएगा, अपराधी अपना बराबर घर छोड़ के भाग जाएगा, बिहार से क्या मतलब देश से ही निकल के चला जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लगता है, प्रशासन पर भी मुझे काफ़ी विश्वास है, आज ये घटना हुई है, कल तक में आपको लगता है रिपोर्ट सामने आ जाना चाहिए कि किसका हाथ है। आखिर घटना के पीछे क्या कारण है? कुछ अभी बहुत नया है ये चीज़ पूछने के लिए, आप पूछिएगा तुरंत, ये फिलहाल कोई नहीं आपको बता पाएगा कि घटना का कारण क्या है। पंचायत के अंतर्गत वो अपने भट्ठा पर जा रहे थे, ईंट भट्ठा उनका है, वहाँ जा रहे थे, वहीं पर भट्ठा और गाँव के मिडिल सेंटर में मुर्गी फार्म है, वहीं टर्निंग पॉइंट पर उनको गोली मारा गया है, लगा है ना, भट्टा जा रहे थे वो। क्या वो भट्टा अकेले जा रहे थे उनके साथ? अकेले जा रहे थे बाइक से। बाइक से? हाँ। और ये घटना के बारे में गांव के लोगों को कब पता चली? वहाँ एक आदमी था जो चिल्लाया, जोर से आवाज़ दिया, अगल बगल सरे हैं तो कुछ लोग थे, क्रमबद्ध किसी के पास मोबाइल था, कॉन्टेक्ट किसी को किया, उस आधार पर गाँव में बात फैल गई, लोग दौड़ गया चारों तरफ से, भीड़ इकट्ठा हुआ, संभाला इनको और जैसे तैसे लेकर के मधुबनपुर PHC इनको पहुंचाया गया। वहां फर्स्ट एड हुआ, थोड़ा सा आराम मिला, लोग तब तक बहुत ज़्यादा हुजूम हो गया है ना, हम लोग जो भी हैं सब नज़दीकी वहां पहुंचे, थोड़ा सा आराम फील हुआ, वहां उसको वहां से कहा जो यहां से आप आगे जाइए, रेफर किए, तब हम लोग वहां से लेकर के आ गया। क्या ये पहली बार वो मुखिया बने हैं? नहीं, हेलो, ये चौथा बार है उनका। इस बार जो बने हैं, क्या कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही दबाव था? कंपटीशन था, इससे पहले जो जी के साथ जो हारे थे, जो 5 वर्ष पहले रहा है। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम है विजय कुमार शाह। ये लगातार 4 बार मुखिया हैं? नहीं, बीच में एक बार 5 वर्ष इससे पहले जो थे वो लक्ष्मण देव मंडल नाम है उनका, इससे पहले जो थे इस 5 वर्षीय के पहले, वो उससे पहले 2 बार सरपंच रह चुके हैं गांव के। क्या इनकी कोई दुश्मनी उश्मनी पूरे गांव में किसी के साथ? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, जनता के बहुत प्यारे हैं। क्या बहुत प्यारे हैं? क्या कोई छीनते उनते भी हुआ उनके साथ? मोबाइल उबाइल पैसा वैसा छीना गया है? अब ये सब ऐसा कुछ हम तो थे नहीं उस जगह, जो बता सकते हैं ये वही जब बयान देंगे तब तो वही बताएंगे। कहाँ के मुखिया थे ये?
बिहारी उत्तरी पंचायत मधवापुर थाना का मधुबनी जिला है मधुबनी जिला प्रखंड मधवापुर जी को गोली लगा है। क्या नाम है उनका? विजय कुमार साहब। ये गोली जो लगी है कहाँ पे लगी है? कमर में लगा है। ये घटना कहाँ पे हुई थी? हाँ वहाँ उनके चिमनी के पास में हुआ है। पास बिहारी उत्तरी चिमनी उनका है ना, मुर्गा फार्म उसके पास में। चौर है क्या? हाँ चौर है। क्या क्या है चौर का नाम? अपने पंचायत के अंतर्गत के नजदीक